राज्यसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ने 10 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी, लेकिन कांग्रेस की सूची जारी होते ही पार्टी में हंगामा मच गया। पार्टी नेता ही इस सूची पर सवाल उठा रहे हैं, पूछ रहे हैं जिन्हें टिकट दिया गया क्या उन्होंने पार्टी के लिए हमसे ज्यादा काम किया, हमारी तपस्या में क्या कमी रह गई जो हमें भुला दिया गया। तो बाहरियों को टिकट देने को लेकर भी पार्टी नेता सवाल उठा रहे हैं। राज्यों में कांग्रेस की सरकारें गईं तो राज्यसभा में उसकी संख्या घट गई। ऐसे में कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी मुश्किल है कि किसे ऊपरी सदन में भेजा जाए और किसका टिकट काटा जाए। लंबे मंथन के बाद पार्टी ने 10 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी, लेकिन उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आते ही हंगामा मच गया, क्योंकि पार्टी जिन राज्यों में मजबूत थी वहाँ के किसी भी स्थानीय नेता को टिकट नहीं दिया गया। 1.5 साल बाद राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं। दोनों जगह कांग्रेस की सरकार है और पार्टी को यहां से राज्यसभा की 5 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। लेकिन कांग्रेस ने दोनों ही राज्यों में बाहरी उम्मीदवारों को उतार दिया है। ना तो छत्तीसगढ़ और ना ही राजस्थान में किसी स्थानीय नेता को टिकट दिया गया, जिसे लेकर पार्टी के अंदर ही सवाल उठ रहे हैं। तो जिन्हें उम्मीदवार बनाया गया है उन पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र से उम्मीदवार बनाए गए इमरान प्रतापगढ़ी को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने ट्वीट कर निशाना साधा, साथ ही अपना दर्द भी बयां कर दिया। पवन खेड़ा ने लिखा, शायद मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई है। वहीं अभिनेत्री नगमा ने कहा, हमारी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने 2003-04 में मुझे उस वक्त राज्यसभा भेजने का वादा किया था जब मैं पार्टी में शामिल हुई थी। उस वक्त हम लोग सत्ता में नहीं थे। इसके बाद 18 साल हो गए और उन्हें मुझे राज्यसभा भेजने का मौका नहीं मिला। इमरान के लिए मौका मिल गया। मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या मैं कम हकदार हूँ? लेकिन कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम को पार्टी पर सवाल उठाने वाले नेताओं का अंदाज पसंद नहीं आया। उन्होंने जवाब देते हुए कहा, सलमान खुर्शीद, तारिक अनवर और गुलाम नबी आजाद साहब की तपस्या तो 40 साल की है, वे भी शहीद हो गए। डीबी लाइव की रिपोर्ट।